आजमगढ़ उपचुनाव का प्रचार थमा, इस चुनाव किसका पलड़ा होगा भारी, किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, कौन देगा हार के बाद जिले में पहरा, यादवों के गढ़ में कौन जीतेगा रण। देश के 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर 23 जून को चुनाव होने हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट की हो रही है। ये दोनों सीटें 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। आजमगढ़ से सपा मुखिया अखिलेश यादव तो रामपुर से आजम खान सांसद चुने गए थे। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दोनों ने अपनी लोकसभा सीटें छोड़ दी थी। पूर्वांचल की आजमगढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी ने फिर से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। बसपा से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली उम्मीदवार हैं। हम हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डालेंगे तो आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ और मेहनगर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर सपा उम्मीदवारों को जीत मिली थी। आइए एक नजर डालते हैं किसका पलड़ा भारी रहा। विधानसभा सीटों पर सपा को करीब 4,36,000 वोट मिले, भाजपा उम्मीदवारों को करीब 3,30,000 वोट मिले, सपा को भाजपा के मुकाबले 1,00,000 से भी ज्यादा वोट मिले। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले सपा और भाजपा के वोटों में कमी, भाजपा को 2019 के मुकाबले करीब 30,000 वोट का नुकसान। 2019 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को जीत मिली थी, दिनेश लाल यादव 2.5 लाख से अधिक वोट से हारे थे, अखिलेश को 6,21,000 से ज्यादा वोट मिले थे, निरहुआ 3,61,000 से ज्यादा वोट पाने में सफल रहे थे। आजमगढ़ में किस जाति की कितनी हिस्सेदारी। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा और सपा दोनों पार्टियों ने यादव जाति के प्रत्याशी उतारे हैं और लोकसभा यादव बाहुल्य है। ऐसे में कुछ भी एक तरफा कहना गलत साबित होगा। जातिगत समीकरण क्या कहता है, एक नजर इस पर डाल लेते हैं। आजमगढ़ लोकसभा में करीब 19.5 लाख मतदाता हैं। इनमें से सबसे बड़ी आबादी यादव मतदाताओं की है। आजमगढ़ सीट पर इनकी आबादी करीब 26% है। आजमगढ़ में मुस्लिम मतदाता करीब 24% हैं। ये दोनों के मिलने पर 50% मान्यता बनते हैं। समाजवादी पार्टी की जीत का आधार भी यही बनाते हैं। यादव जाति की जीत यही समीकरण तय करता है। सपा की जीत में दलितों मुस्लिम वोट कारगर साबित हुआ है। भाजपा को सवर्ण, पिछड़ा वर्ग, दलित, यादवों के एक वर्ग का समर्थन रहा है। आजमगढ़ लोकसभा सीट से जीत का इतिहास। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर चली आ रही राजनीतिक लड़ाई किस खेमे में कितनी बार, उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। 2019 से सपा से अखिलेश यादव जीते, 2014 सपा से मुलायम सिंह यादव जीते, 2009 भाजपा से रमाकांत यादव जीते, 2004 बसपा से रमाकांत यादव जीते, 1999 सपा से रमाकांत यादव जीते, 1998 बसपा से अकबर अहमद डंपी जीते, 1996 सपा से रमाकांत यादव जीते, 1991 जनता दल से इंद्रजीत यादव जीते, 1990 से राम कृष्ण जीते, 1984 कांग्रेस से संतोष कुमार सिंह जीते। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जहां एक ओर दो यादवों के बीच टक्कर देखने को मिलेगी तो दूसरी ओर गुड्डू जमाली को भी एक तरफा मुस्लिम वोट मिलना तय माना जा रहा है। ब्यूरो डेस्क, पंजाब केसरी टीवी।